अस्सलामुअलैकुम मेरी क्यूट एंड स्वीट यूट्यूब फ्रेंड्स एंड फैमिली। तो कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक हैं? ये पेज जो आप देख रही हैं मैंने तैयार किया है अपनी उन तमाम बहनों के लिए जिन्हें चेहरे पर छाइयों जैसे बदनुमा निशानात की शिकायत है। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सब व्यूवर से हम्बल रिक्वेस्ट है, तो सबसे पहले प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। जी हाँ, वरना आप भूल जाएंगी और आप आगे बढ़ जाएंगी। अगर आप चाहती हैं हमें याद रखना, हमें दोबारा सुनना, तो बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आप हमारी इन फ्यूचर वीडियो से भी रहें अपडेट। थैंक यू सो मच फॉर ऑल। तो चलते हैं इस पेस्ट की तैयारी की तरफ। सिर्फ तीन चीज़ों की मदद से हम बनाएंगे ये पेस्ट दाग धब्बों से लड़ने के लिए। ये पेस्ट जो मैंने बनाया है ये डार्क स्पॉट्स, हाइपर पिगमेंटेशन, मलाजमा, एक्नी स्कार्स के लिए या हर तरह के जो चेहरे पर बदनुमा दाग आ जाते हैं, जो आपके चांद चेहरे पर ग्रहण के माने लगते हैं, तो ये पेस्ट उस बदनुमा ग्रहण से निजात का जरिया होगा, बशर्त ये कि आप इसको रेगुलर यूज़ करेंगी और फिर पाएंगी हसीन और जमील ग्लोइंग स्किन। चलिए मैं आपको तारुफ करवाती हूँ जिन तीन चीज़ों से हमने ये पेस्ट जो है वो तैयार किया है। सबसे पहले सैंडलवुड पाउडर है। ये सदाबहार चेहरे की दिलकशी के लिए बहुत ही अहम किरदार अदा करता है। ये कील महासों छाइयों के खात्मे के लिए बहुत अहम जूस है। उसके बाद सेकंड पे है जी मसूर की दाल। मसूर की दाल के फ़ायदे जो से वो मैं पहले आपको बता चुकी हूँ। ये स्किन की जो डार्कनेस है उसको लाइट करती है और स्किन बेबी टोन करती है, जैसे इसकी अपनी दाल की रंगत है, बिल्कुल इसी तरह। थर्ड पे है जी हल्दी। हल्दी यानी बहुत ही ज़्यादा डीप क्लीन करती है आपकी स्किन को, जिनके बहुत ज़्यादा हाइपर पिगमेंटेशन हो जाते हैं, खलियों के अंदर जाके दाग बन जाते हैं, उसको जैसे मलाजमा हम लोग कहते हैं, इस जैसी बीमारी जो सी उसको भी लाइट करती है। अब सैंडलवुड पाउडर और मसूर की दाल को हम वज़न लेकर एक चाय की चम्मच जो सी हल्दी वो इसमें ऐड कर लें और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें और फिर इसको एयर टाइट जो कोई कंटेनर उसमें आप संभाल सकती हैं कुछ देर इस्तेमाल करने के लिए। और जब आपने यूज़ करना है अपनी स्किन के अकॉर्डिंग, अपने जितने जैसे अपने बाजुओं पे यूज़ करनी है, टांगों पे भी करनी है, उसके अकॉर्डिंग आप निकाल के उस वक्त के लिए यूज़ कर सकती हैं आप जी। किन किन चीज़ों के साथ आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं? मिल्क इसके अंदर कर सकते हैं ऐड, दही ऐड कर सकते हैं, अर्के गुलाब है जो है उसके अंदर मिक्स कर सकते हैं। तो मिक्स करके आप अपने चेहरे पर अप्लाई करें, 20 से 25 मिनट रखें, फिर उसके बाद इसको वॉश आउट कर दें और हमें दुआएं दें जो आपके लिए लाते हैं ऐसी केमिकल फ्री रेमेडीज़। तो चलिए जी, सब अमानी को इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में ख़ास याद रखिएगा, हैप्पी रहें, पॉजिटिव रहें। अल्लाह हाफिज़।